नमस्कार, आज मैं भावना शर्मा फेरगे से उपस्थित हूँ एसडी पब्लिक स्कूल में, जहाँ की हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड के करिकुलम डेवलपमेंट पर बात की है। और मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं उपस्थित हूँ योग गुरु स्वामी रामदेव जी के साथ। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम बहन। प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब राम किसान यादव से लेकर बाबा रामदेव तक का जो आपका सफर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन से भरा हुआ है सभी बच्चों के लिए, तो हमारे जो जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सनातन धर्म जो कॉलेज है, सनातन धर्म स्कूल है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। सनातन धर्म की अपनी सनातन संस्कृति और नूतन आविष्कारों को, विज्ञान को, सनातन धर्म स्कूल में जिस तरह से अनीता जी और सारे यहाँ के ट्रस्टी पिछले लगभग 25 वर्षों से, 25 वर्ष पहले हमने पतंजलि की भी स्थापना की थी, और जब स्कूल शुरू किया तो मुझे पता लगा ये टेंट में शुरू किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के योगदान से, बिना किसी सरकारी सहयोग के, आज जो 7th पे कमीशन है उसके पेमेंट देते हैं सभी टीचर्स को, और बच्चों को जो भी अपने सनातन मूल्यों के साथ साथ जो भी आधुनिकतम शिक्षा दीक्षा है उससे यहाँ पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो ये मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता है कि मूल्यों पर आधारित जो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करना चाहते हैं, उस तरह का एक व्यवहारिक प्रयोग यहाँ पर, थोड़ा बहुत करिकुलम में चेंज आएगा लेकिन शिक्षा और संस्कार के स्तर पर ही वो व्यवहारिक प्रयोग यहाँ पर चल रहा है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे फिजिकली बच्चों को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार आज के युग में, आधुनिक युग में, मेंटली बच्चों को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी वजह से डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ ये सब बच्चों को होती जा रही है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक जैसा बीमारी लग रही है, तो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में इस चीज को कैसे बच्चों? शिक्षा के तीन मुख्य आयाम है कि एक तो जो है विद्यार्थियों का शारीरिक, बौद्धिक और साथ साथ आध्यात्मिक विकास। शारीरिक विकास के लिए योगाभ्यास, बौद्धिक विकास के लिए पूरा जो हमारा करिकुलम है उसका साइंटिफिक होना और वर्ल्ड के जो श्रेष्ठ पैरामीटर्स हैं उस पर खरा उतरना, और आध्यात्मिक विकास के लिए जो बच्चों के अंदर मानवीय मूल्यों का समावेश है, उनके जीवन में नैतिक मूल्यों का समावेश है, उनके आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, अभ्यासों में दिव्यता, सात्विकता का समावेश करना, ये बहुत जरूरी तत्व हैं। क्योंकि शिक्षा मात्र अक्षर ज्ञान नहीं है, शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास का, व्यक्ति के भीतर जो एक अप्रतिम सामर्थ्य है, चाहे वो ज्ञान शक्ति है, भाव शक्ति है, क्रिया शक्ति है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक अप्रतिम, एक अतुल्य, एक असीमित संभावना, सामर्थ्य सन्निहित है, उसको हम कैसे जागृत कर सके, जो बीज रूप में हमारे अंदर सात्विक शक्ति है, और जो बीज रूप में बुरी चीजें हैं उनको कैसे हम नष्ट कर पाए। तो इस पूरे पाठ्यक्रम में हमने इस तरह से अपना सांस्कृतिक धरातल का आधार लेकर के और उसको वैज्ञानिक धरातल पर लेते हुए आगे बढ़ने का हमारा एक संकल्प है कि जो भी श्रेष्ठतम प्राचीन है और श्रेष्ठतम जो आधुनिक है उसका समावेश करके हमें इस ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो करिकुलम है, आगे जो इसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उसका निर्धारण करना है, और मुझे लगता है ये देश का सर्वश्रेष्ठ बोर्ड होगा। बस मेरा आखिरी प्रश्न आपसे कि आपकी तरह हेल्दी वेल्दी रहने का क्या मूल मंत्र है? डेली सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग करें। जी, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही हमारा, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं, वही हमारा प्रारब्ध बनता है, और वही हमारे जीवन में हमारी सफलता का, हमारी समृद्धि का, हमारी खुशियों का, हमारी प्रसन्नता का आधार बनता है। तो सुबह सुबह योग करें, दिन भर कर्मयोग करें और खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही देखें, पॉजिटिव ही करें, नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव करने से जीवन में कुछ मिलता है नहीं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।